यह आंदोलन एक साल से चल रहा है। यह आंदोलन खाली 3 बिल पर नहीं है, इसके साथ में MSP भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पुराली भी है। 2 चीज़ों पे पहले बातचीत हो गई थी उनसे। 3 बिल पे इन्होंने अब बात करी, अभी MSP का सवाल रह गया। उसके साथ ही जो एक साल से घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं, उन पर भी बातचीत होगी। 750 किसान हमारे शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान। यहाँ पे बहुत पर्चे दर्ज हुए, केस बहुत हुए। लखीमपुर खीरी की घटना हुई, तो ये सारे जो मामले हैं ये उसके साथ में जुड़े हुए हैं। उन पे भारत सरकार बातचीत करें, MSP को गारंटी कानून बनाए, ये इसी आंदोलन का हिस्सा है। ये सारे सवाल हमारे हैं, और जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक बातचीत नहीं करेंगे, तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा। ये हमारे सवाल भारत सरकार से है, और संयुक्त मोर्चे ने वो चिट्ठी लिखी है। खीरी की घटना हुई उसके विरोध में ये पंचायत रखी गई। यहाँ पे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा उसके संबंध में रखी गई। 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा भी बकाया है, गन्ने के रेट नहीं बढ़े, आलू का किसान दुखी है, फसलों की MSP पे खरीद नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश का है। और 3 कानून वापसी लिए भारत सरकार ने, लेकिन उसके साथ में जो और मसले हैं उसके लिए चिट्ठी लिखे उत्तर प्रदेश सरकार उनको, इन मामलों का भी सोल्व करवाए, हमें फसलों के दाम चाहिए, मुकदमे वापसी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं।